इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि आप ये नौ जो घोटाले हुए प्रदेश में, घोटाले तो ज्यादा है, नौ से ज्यादा है, लेकिन नौ मुख्य हैं जिनकी आपको जांच जरूर करवानी चाहिए। सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है वो धान का घोटाला है। जब से भाजपा की सरकार बनी है लगातार नमी के नाम के ऊपर 250 रुपये से 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हर किसान की फसल से काटे जाते हैं। हमने मुख्यमंत्री जी से ये पूछा था विधानसभा में कि आप ये बता दें कि ये पैसा किस खाते में जा रहा है, ये सरकार के खजाने में आ रहा है कटा हुआ पैसा, ये मिल मालिक के खाते में जाता है कटा हुआ पैसा, या आड़ती की दुकान पे जिस पे धान की फसल आती है उसके पास जाता है, या फिर जो एजेंसी इसको खरीदती है उसके खाते में आता है। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, आज तक इसकी जांच नहीं हुई है। हम फिर से आज हरियाणा दिवस है और मैं पार्टी की तरफ से भी, प्रदेश के लोगों की तरफ से भी डिमांड करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उसके साथ साथ अगला जो बड़ा घोटाला हुआ था लॉकडाउन के दौरान, शराब का घोटाला हुआ था, जो शराब घोटाले में लॉकडाउन के दौरान पूरा प्रदेश देश जो है कहीं कोई एक साधन भी सड़क पे नजर नहीं आता था। पड़ोस के घरों के लोग जो है एक से दूसरे घर में नहीं जाते थे, लोगों ने टेलीफोन पे बातचीत करनी बंद कर दी थी। आज उस दौरान भी शराब की कोई कमी नहीं थी और सरकारी जो शराब जो रखी हुई थी उनके पीछे से खिड़कियां तोड़ तोड़ करके शराब निकाल करके उसको महंगे रेट पे बेचा गया था। वहां तक तो सरकार ने कार्रवाई करी, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उसके बाद रजिस्ट्री का घोटाला लॉकडाउन में हुआ, लोगों को लूटा गया रजिस्ट्री के अंदर। आज भी वो लूट जो है ज्यों की त्यों जारी है। आज भी कोई रजिस्ट्री कराने जाता है गजों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। आज भी उसके ऊपर किसी किस्म की रोक नहीं है। सरकार की तरफ से बारी बारी कहा जाता है, सरकार की तरफ से बारी बारी ये कहा जाता है कि स्टाम्प ड्यूटी जो है उसकी कोई चोरी नहीं हुई। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी तो कर ही नहीं सकते, ये सफाई देने की जरूरत नहीं है किसी को। जो रजिस्ट्री के अंदर गजों के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, जिन पैसों की बंदर बांट जो है ऊपर तक होती है, बात तो उसके जांच की है, उसकी जांच होनी चाहिए। दुखी है पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे पंचायत समितियों में, चाहे गांव के सरपंच और पंच हैं, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, उन्हें बहुत तरह तरह से डराया और धमकाया जाता है। हम जहां सरकार बनने के ऊपर उन पे लगी हुई सारी पाबंदियां खत्म कर देंगे, वहीं उसके साथ साथ हमने ये फैसला लिया है कि 11 विधानसभा की सीट जो है हम पंचायत प्रतिनिधियों को देंगे। उसमें सरपंच भी आ सकता है, उसमें जिला परिषद के मेंबर चेयरमैन में से भी किसी को दी जा सकती है और उसमें ब्लॉक समिति के चेयरमैन और मेंबर्स में भी दी जा सकती है, उसमें सरपंचों को दी जा सकती है, महिला सरपंचों को भी उसमें हम टिकट दे सकते हैं। ये हमारा फैसला है कि हम 11 टिकटें की बार इनको देंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी पंचायत प्रतिनिधि को इस तरह की दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रोज यह बयान देते और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, मैं फलाने को बना दूंगा, और आखिर में जब परेशान हो गया तो कहने लगा मैं जाट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, चीफ मिनिस्टर तो जाट नहीं बनेगा। मतलब इस तरह की बातें कह करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया। उनके पास तो ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। 11 सीटें,
ये 11% ही हो गया, समझो 11 से ऊपर हो जाता है परसेंटेज के हिसाब से, तो उससे ज्यादा हो गया। सरपंच, जिला परिषद का चेयरमैन, मेंबर, पंचायत समिति का मेंबर, चेयरमैन, ब्लॉक समिति के जो है, पंचायत समिति ब्लॉक समिति एक ही बात है। ना तो बीजेपी के पास अधिकार क्षेत्र है किसी को, लोकल लीडर को ये कह करके कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस जाति विशेष को बनाए, ना कांग्रेस में, क्योंकि इनकी तो आला कमान से परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज के लिए। हमारे आला कमान का फैसला है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार 2024 में जब बनेगी, हम दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, एक बैकवर्ड क्लास से बनाएंगे और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है शेड्यूल कास्ट का बनाएंगे, ताकि हर जाति के साथ न्याय हो सके। ये हमारी पार्टी का फैसला है। अगर विज साहब को इतनी पीड़ा है किसी चीज से, ये 5 साल से देख रहा हूं मैं, पिछले 4 साल से रोजाना कोई ना कोई विज साहब का इस तरह से बयान आ ही जाता है, पर है बड़े बेचारे, केवल बयान दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के ऑफिस का दखल है और अनिल विज पीड़ित है तो इस्तीफा देना चाहिए, जब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर उनको उस महकमे में रहना भी नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह से बेइज्जत नहीं होना चाहिए। मैं विज साहब से बात करूंगा कि मुझे पीड़ा होती है आप जैसे आदमी के साथ जब इस तरह की बात होती है।